हाय, माय नेम इज अनुप्रिया। आज इस सेशन में हम बेसिक ग्रामर रूल सीखेंगे, हम बेसिक ग्रामर यूजेज सीखेंगे हैज, हैव एंड हैड का अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। मीन्स जब हम ये कहते हैं मेरे पास एक मार्कर है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऑलराइट, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, सो ये शो करता है किसी सब्जेक्ट का पोजिशन की वो क्या पजेस कर रहा है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम हैज एंड हैव का यूज कैसे करते हैं। नाउ जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है सेंटेंस में, विच मींस कि मोर देन वन होता है, तब हम यूज करते हैं हैव पोजीशन शो करने के लिए। लेकिन आई एंड यू इसमें एक्सेप्शन है। आई एंड यू के साथ भी हम हैव ही यूज करते हैं, विच इज अ रूल। आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, यू हैव इनफ माइंड, they have two cars, we have lots of money, so I and you are carrying have, showing the possession, or they, we या कोई भी plural subject है वो भी क्या show कर रहा है, have show कर रहा है। अब हम जब singular subject पे आते हैं जो कि he, she, James या it है, जो कि number में one है, it means it is a singular subject, then इसके साथ हम use करते हैं has। He has four books. उसके पास चार किताबें हैं। She has a beautiful dress. James has a job. It has four legs. So in this way हमने देखा कि इसके साथ जब subject plural है then we are carrying have, और जब subject singular है तो हम use कर रहे हैं has. Now जब इसको हम negative sense में denote करते हैं, मेरे पास मार्कर नहीं है, सो वॉट वी डू, वी हाउ, वॉट इज द राइट कंस्ट्रक्शन, जस्ट सी, वी यूज डोंट, दैट इज डू नॉट। आई डोंट हैव अ मार्कर, ऑल राइट, यू डोंट हैव इनफ मनी, दे डोंट हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, ऑल राइट। एंड व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन हम क्या यूज करते हैं, वी यूज डजंट, विच इज डज नॉट, ही डज नॉट हियर, पे अटेंशन, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव इनफ मनी, ऑल राइट, शी डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी, James does not have a new job. It does not have four legs. So when there is does not, what we do write? We write have along with the does. ये बहुत important है, ध्यान देना, क्योंकि आप बहुत mistakes commit करते हो कि has के साथ हम क्या करते हैं, जब does आता है negative sentence में तब भी हम write करते हैं has, because हमने देखा है कि क्योंकि singular subject के साथ has हो रहा है, so avoid this mistake. All right? Now, just taking this another example, had का use हम कहां करते हैं? What we are doing along with all the plural subject and singular subject, हम past का जो action होता है position के according वो show करने के लिए with every subject what we do, we use had. All right? I had a good time with you. All right, कि मैंने आपके साथ अच्छा वक्त बिताया था. So here I am showing possession. They had four cars. उनके पास चार कारें थी. Again, it is showing possession in the past. He had a headache. उसके सिर में दर्द था. Again, had. So along with all these subject हम use कर रहे हैं had जब हम पास्ट के एक्शन को शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। इट हैड अ बैड साउंड, रेडियो के लिए आप यूज कर रहे हो कि इसका जो साउंड था वो बहुत खराब था, तो द साउंड इज द पोजीशन ऑफ द रेडियो। सो मेंशन हियर कि हम हैड हर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। जब नेगेटिव सेंस में ये सेंटेंस हमको बोलना होता है कि मुझे हेडक नहीं था, सो वॉट वी राइट, वी राइट आई did not, फिर हम had नहीं use करते, we say
have. I did not have a headache. I didn't have a headache. Alright? I didn't have a good time with you. मैंने आपके साथ अच्छा समय नहीं बिताया था. उस समय negative के time पर हम position के लिए had नहीं use करते. Did not plus have use करते हैं. चाहे subject singular है या plural है. So in this sense we have learned कि has, have and had का possession के according English sentence में क्या right use होता है. Next time ये mistakes नहीं commit करना कि where I can use has, have and had. Bye.